नए लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने 30,100 का कॉल शॉर्ट किया है। मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, तो जो पहला ट्रेड था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और नेक्स्ट ट्रेड लिया हमने 310 पे, हमारी एंट्री हुई है। दो लॉट शॉर्ट किए क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है और बहुत बड़ा मार्केट गैप अप हुआ है, ओपन हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी कम रखी है। जब भी आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है तभी आप अपनी फुल क्वांटिटी यूज़ कीजिए, नहीं तो आप अपनी हाफ ऑफ क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते क्या हो रहा है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी 300-400 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी ये ऊपर नीचे होता रहेगा तो आप देखते ही रहोगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप ऑप्शन में काम करोगे तो आपको थोड़ा सा ब्रोकरेज कम लगेगा और उसी के साथ साथ मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप जब ऑप्शन बाय करते हो तो आप प्रीमियम पे करते हो और आप जब ऑप्शन सेल करते हो तो आप प्रीमियम रिसीव करते हो। ये चीज़ें क्या होती है मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन अभी फिलहाल आप ये वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी 600-700 के आसपास हमारा प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे ही पूरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और उसके बाद आज का ट्रेड लेने के पीछे जो लॉजिक था वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। अभी देख पा रहे हो 1200-1300 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। बहुत ही छोटे लॉट साइज में आज हमने काम किया है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और निफ्टी भी 150-200 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ था, तो थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट नहीं था इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखी है मैंने। तो देखते हैं क्या होता है। अभी 1800 के आसपास 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, लगभग हमारा 70-80 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो चलिए एग्जिट कर देते, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, 3000 का प्रॉफिट बुक किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे अभी लगभग हमने 3170 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपके लिए। वीडियो थोड़ा लंबा था इसलिए उसको एडिट करके आपके लिए दिखा रहा हूँ, 2-3 घंटे का वीडियो था। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे 3170.5 मतलब लगभग 3200 का प्रॉफिट बुक किया है। ऑर्डर दिखा देता हूँ। ओके, तो देख सकते हो सबसे पहले हमने जो सेल किया था वो 10:00 किया था लेकिन उसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मैंने 10:02 में दोबारा एंट्री ली और विद इन 30 मिनट्स मैंने अपना 70-80 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये मेरे ऑर्डर्स है उसके, और आज हमने दो लॉट में काम किया था। ठीक है, तो फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और इसके बाद मैं अपना लॉजिक समझा दूंगा ट्रेड के पीछे क्या था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको आज स्पॉट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो देख सकते हो ये स्पॉट का चार्ट है निफ्टी बैंक का। तो ये रहा उसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस और ये आज का ओपनिंग प्राइस। आज का डेट है 25 नवंबर 2020 और कल मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 29,800 के आसपास हुआ था और आज ओपन कहाँ पे हुआ, 30,000 के अराउंड हुआ, मतलब लगभग 200-250 पॉइंट का गैप अप था। तो इतना बड़ा गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना तय है और इसी तहत मैंने सोचा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्क्वीज हो सकता है और नीचे आ सकता है, तो इसलिए मैंने अपना शॉर्ट साइड ट्रेड लिया था और उसके पीछे के लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो देख सकते हो जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, ये पहला कैंडल देखिए थोड़ा सा ग्रीन बना, उसके बाद नीचे आने की कोशिश की, रिट्रेस होने की कोशिश की और सपोर्ट लेके ऊपर गया। और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे 10:00 को, मैंने आपको दिखा दिया था ऑर्डर बुक भी, तो मैंने वहाँ पे अपना ट्रेड लिया था। तो कौन सा ट्रेड लिया था, मैंने 30,100 का कॉल शॉर्ट किया था जो कि उस समय इन द मनी के तहत था। और आपको अगर कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट बाय करते हो तो आपको पता होगा इन द मनी कॉल जो होते हैं थोड़ा रिस्की रहते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए और बाय करना चाहते हो तो इन द मनी कीजिए। ओके, तो वो आने वाले वीडियो में बाकी की चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 10:00 के आसपास मैंने बता दिया था पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने दोबारा एंट्री की और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कैप्चर कर लिया। फॉल तो होना था ये तय था, लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ तक हो जाएगा प्रीवियस क्लोजिंग के प्राइस के आसपास और यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके इसी के बीच कहीं क्लोज हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। तो देख सकते हो अभी भी मार्केट शुरू है, मार्केट ने क्या किया प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आके थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस तो हुआ लेकिन उसके बाद फिर से एक बड़ी गिरावट आ गई। और देख सकते हो अभी के टाइम अभी भी ओपन है मार्केट, अभी 1:06 हो रहे हैं और अभी का प्राइस जो चल रहा है देख सकते हो यहाँ पे 29,708। अगर आप बोलोगे कि इतना बड़ा प्रॉफिट आपने मिस कर दिया, दोस्तों क्या होता है
मैंने कल परसों भी बता दिया था वीडियो में, अगर आप 20 रुपीज की रिस्क ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपका जो प्रॉफिट बनना चाहिए वो भी 20 रुपये या उससे ज़्यादा बनना चाहिए, ना कि 5 रुपये और 10 रुपये। तो चीज़ें क्या थी, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 35 पॉइंट के आसपास था इस ट्रेड में, और मेरा जो प्रॉफिट मुझे मिला लगभग 80 या 85 पॉइंट के आसपास मिला। तो इस मतलब जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना वो 1:2 के हिसाब से बना। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है आपको रिस्क के ऊपर, वो आप अगले टाइम नेक्स्ट टाइम एज अ स्टॉप लॉस करके यूज कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको समझा दूंगा, लेकिन आज का जो ट्रेड था उसके पीछे यही लॉजिक था। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट बुक किया है उसके पीछे का लॉजिक भी समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा, और अपडेट के लिए आप हमारा इंस्टा जो हैंडल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, और लेटेस्ट कॉल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को यही स्टॉप कर देते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।